इस वक्त चीन में एक बड़ा बवाल चल रहा है। चीन के विदेश मंत्री को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। चीनी विदेश मंत्री किन गांग अचानक गायब हो गए हैं। पिछले 22 दिनों से किन गांग की कोई खबर नहीं मिल रही। इसी बीच किन गांग से पहले चीनी विदेश मंत्री रह चुके वांग यी ने भारत से एक अपील की है। किन गांग के गायब होते ही वांग यी अचानक एक्टिव हो गए हैं। माना जा रहा है कि वांग यी को दोबारा चीनी विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि दिसंबर में ही विदेश मंत्री बने किन गांग के साथ क्या खेल हो गया है। आपको बता दें कि किन गांग को सार्वजनिक रूप से पिछले 3 हफ्तों से नहीं देखा गया है। किन गांग कई महत्वपूर्ण राजनयिक बैठकों से भी गायब हैं। किन गांग को कुछ ही दिनों बाद यूरोप के एक बड़े नेता जोसेफ बोरेल से भी मिलना था, लेकिन उनकी इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि किन गांग मई के महीने में भारत भी आए थे। किन गांग भारत में SCO बैठक में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन अब यही किन गांग गायब हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक गायब होने से पहले किन गांग ने आखिरी बार 25 जून को श्रीलंका और रूस के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी, लेकिन ये मीटिंग किन गांग की आखिरी मीटिंग रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री किन गांग को पद से हटाए जाने की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि किन गांग का चीन की एक मशहूर टीवी एंकर के साथ अफेयर चल रहा था। बताया जा रहा है कि वो टीवी एंकर 40 साल की फू जियोतियान है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि इस अफेयर की वजह से उसकी बदनामी हो रही है। जैसे ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को किन गांग के इस अफेयर के बारे में पता चला, उसके तुरंत बाद ही किन गांग को साइडलाइन कर दिया गया और अब तो उन्हें पद से हटाने की भी बातें सामने आ रही हैं। चीन की जिस टीवी एंकर की चर्चा हो रही है, उसने कुछ ही महीनों पहले किन गांग का इंटरव्यू लिया था। उसके बाद इस चीनी एंकर को किन गांग के साथ कई बार देखा गया। मजे की बात देखिए कि किन गांग के गायब होते ही चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी अब सबके सामने आए हैं। वांग यी ने पिछले हफ्ते आसियान की एक बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि किन गांग भारत को लेकर काफी एग्रेसिव थे, लेकिन वांग यी को भारत के साथ बातचीत करनी आती है। वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को अब सही करना चाहता है। वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन को एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। वांग यी भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांग रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि किन गांग की अफेयर वाली बात सिर्फ एक ड्रामा है। किन गांग भारत के साथ सही से संवाद नहीं कर पा रहे थे, जबकि पूर्व विदेश मंत्री वांग यी मुश्किल घड़ी में चीन को बचाने के लिए भारत से बात करने के तरीके जानते थे। भारत इस वक्त चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, इसीलिए ये भी हो सकता है कि किन गांग को जानबूझकर हटाया गया हो और वांग यी को वापस लाने की तैयारी चल रही हो।